हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं अभी हूँ दादर स्टेशन और यहाँ से मैं आज निकल रहा हूँ कोलकाता और आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे। क्या बात करता है यार, जी एस टी छत्रपति से आने वाली है अपना गाड़ी और बस 22 मिनट पहुँचेगी वहाँ पर, 15 मिनट यहाँ से छोड़ेगी। हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरा सब ये छोड़ दो, मेरा बक्सा है साले तू। हम लोग की नगरी का सफर आज अपना खत्म हो रहा है। लोग यहाँ पे दिल्ली ट्रेन आ गया है गाइस और ये M2 कोच के बारे में खड़े हैं और ये देखते हैं M2 कोच कहाँ पे आते हैं। फाइनली गाइस अपना ट्रेन निकल चुकी है प्लेटफॉर्म से और इधर है अपना कोच जो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये मेरा कोच है और ऐसा कोई सीन है यहाँ पे। सुबह 9 बजे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 7 और कल की वीडियो मैंने इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि कल मुझे आगे वो ट्रेन है और ट्रेन को रोते हैं बगैर खाए के मैं गया था। तो चीटिंग करता है तू। आज हुई है सुबह और आज देखाएंगे अपना सारा डिपार्टमेंट। हम सब कर रहे हैं यहाँ आंवला बेल में जो है 2809 और मैं अभी हूँ थर्ड AC इकोनॉमी। आप लोग फिर देख रहे हैं ये है बाथरूम का। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ऐसा नीचे नहीं दिखाना, नीचे थोड़ी गलती है साले तू। हम लोग हैं अभी नागपुर जंक्शन पे और जहाँ पे अपना गाड़ी का होल्ड है 20 मिनट का। तो नागपुर जंक्शन काफ़ी बड़ा जंक्शन है, इंडिया का टॉप 100 में से आता है जहाँ बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है। अभी चलते हैं हम लोग अपना कंपार्टमेंट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ओपन करने के लिए, इसको ऐसा डालने पड़ता है, ये ओपन होता है। यहाँ है अपना सीट मिडिल बर्थ, इनको जब भी सफ़र करते हो मिडिल बर्थ मिलता है और ऐसा कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे। ये लाइट सिस्टम है, ये चालू हो जाता है, बस मिल सकता है। ये है मोबाइल हैंगिंग का, यहाँ है बोतल हैंगिंग का, यहाँ पे स्विच भी है, एक है लाइट का और दूसरा है कि मैंने अपना चार्जर लगा रखा है। इधर कुछ मिरर है तो अच्छा खासा साफ सफाई यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। ऊपर वाले बर्थ में हमारे साथ जो कंपेनियन थे वो सोए हुए। बंद करो। ये अपना ट्रेन रुकी हुई है रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये है कुछ रायपुर स्टेशन ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे अपना ट्रेन का होल्ड है 10 मिनट का। रायपुर भी काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेशन है। मैं अभी जयपुर स्टेशन में खोज रहा हूँ माजा। यहाँ क्या है ना, जो चीज़ खोजते हैं वो चीज़ मिलता नहीं है, हर चीज़ लोकल पड़ा रहता है। माजा का कलर भी ऐसा लग रहा है जैसा उसका कलर ही उड़ गया। अभी दूसरे जगह में पूछते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं भाई माजा। भाई ये मिलता है मैंगो टेंगो, लगता है रसना फूला हुआ, इतना घटिया टेस्ट है इसका। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? ये रसना से ही बेकार है, रसना का भी एक टेस्ट होता है ना, फ्लेवर अच्छा लगता है लेकिन इतना बेकार है कि क्या कहे। मेरा खाना अभी आ चुका है, खाने में ये है, चार्जर हटा देता हूँ, रोटी है और इसमें पता नहीं है शायद इसमें चावल है। ये मेरा लास्ट खाना है ट्रेन का, जब से मैं गाड़ी में चला हूँ तब से ही खा ही रहा हूँ, बस रिकॉर्ड अभी वाले किया है। तो मैं दोबारा का वाले पैसा भी नहीं दिया हूँ, अंकल जी बहुत बढ़िया है, फ्री में खिलाए जा रहे हैं। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आएंगे पैसे लेने। तो तेरी पराठा क्या बात है, सबको रोटी मिल रहा है, तुमको पराठा मिला है क्या? तुम बोला था मछली देने के लिए, फिर अंकल जी भूल करके हमको अंडा दे दिए। ये सब अपना आइटम ये पड़ेगा हमको शायद 130 में। अभी अपना बिस्तरा फुल रेडी है और अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं बस अंकल जी को आने का। चादर उधर लगा करके एकदम फुल्ली रेडी हो गए, उनको पेमेंट करना है और फिर सो जाना है और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट डे मतलब कोलकाता में। गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कोलकाता।
तो फाइनली हम लोग कोलकाता पहुंच गए और अपना गाड़ी यहाँ पे 3 घंटा लेट था। तो हम लोग का गाड़ी का टाइमिंग था 6 बजे, बट हम लोग अभी यहाँ पहुँचे हैं 8:30 बजे, करीब 2.5 घंटा करीब लेट हुआ है। तो अभी हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं बाहर से टैक्सी लेने के बाद हम लोग पहुँचेंगे घर। तो वीडियो करते हैं हम लोग यहीं पर ख़त्म और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।